मना करना कितना आसान होता है ना, सिर्फ मुंह ही तो चलाना है। तुलना की और खुद को बेचारा साबित कर लिया, लेकिन यदि बाजी पलट दी जाए तो। दो दोस्त थे, महेश और सुरेश, दोनों कॉलेज से लौट रहे थे। तभी उन्हें एक रईस परिवार के अपने हमउम्र दो लड़के अपने BMW से उतरते हुए नजर आए। तभी महेश कहने लगा, देखना यार, इनकी भी क्या किस्मत है, क्या लगते हैं दोनों, सूट बूट पहने हुए, आंखों में चश्मा, हाथ में स्मार्टफोन लिए, काश हमारी भी किस्मत ऐसी होती। और महेश सुर में सुर मिलाते हुए कहने लगा, हाँ भाई, ये जलवा सब पैसा और किस्मत का है। ये दोनों बात करते करते थोड़ा आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाने के बाद एक घर बन रहा था, जहाँ उन्हीं के हमउम्र दो लड़के अपने सर पे ईंटा ढोकर मजदूरी कर रहे थे। वो उन्हें काफ़ी देर से घूर रहे थे। तभी महेश कहने लगा, देख ना भाई, ये हमको ऐसे क्यों घूरे जा रहे हैं, जैसे हम को रजनीकांत हैं। ये सारी बातें उनके पीछे चल रहे उनके कक्षा टीचर ने सारी बातें सुनी और वो कहने लगे, बेटा, वो दोनों आप दोनों को घूर कर यह सोच रहे हैं कि काश हमारी भी किस्मत ऐसी होती तो आज हम मजदूरी न करते हुए कॉलेज जा रहे होते। इसके बाद कभी भी महेश और सुरेश ने अपनी पूरी ज़िंदगी में तुलना नहीं की किसी से।